ये हमारा बेटर तैयार हो गया है। अब इसको हल्के हाथे से आप हल्के हाथों से नारियल फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं दर्शकों के लिए नारियल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो कृपया कर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप ये लड्डू जरूर बनाएं। मैं आज अपने दर्शकों के लिए नारियल का लड्डू बना रही हूँ। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं इस रेसिपी के लिए मैं किन किन चीजों का प्रयोग कर रही हूँ। तो एक नारियल, 200 ग्राम चीनी है, 4 इलायची है, चीनी के साथ ही मैं इसको पीस लूंगी, चीनी का पाउडर बनाना है। ये है आधा लीटर दूध, इसको जला के मैं 250 की हूँ। सबसे पहले नारियल का जो ब्राउन पार्ट है ये वाला, इसको आप पील ऑफ कर लें। मैं ये पील ऑफ कर चुकी हूँ, अब इसको आप पीस लें। नारियल पीस लें तो चीनी को भी हम पाउडर बना लेंगे और 2-4 इलायची तो कहीं पिसाएगी नहीं, तो चीनी के साथ ही पीस लेंगे। तो चीनी हम पीस ले रहे हैं, आप देख सकते हैं चीनी भी पीस के तैयार हो गया है, नारियल भी पीस लिए हैं, अब रेसिपी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें एक चम्मच घी डालें, घी गरम होने दें। आप देख सकते हैं हमारा घी गरम हो चुका है, अब इसमें मैं नारियल पाउडर डाल दूंगी। इसको धीमी आंच पे भूनते रहेंगे, जैसे कि ये थोड़ा काम हो आई पे नहीं भूनेंगे, धीमी आंच। मैं इसको इसलिए भून रही हूँ क्योंकि नारियल में पानी रहता है, तो पानी को हम कैसे सुखाएंगे, तो इस तरह हम भून के सुखाएंगे, धीमी आंच पे भूनते रहेंगे तो पानी सारा सूख जाएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम आप देख सकते हैं, ये हमारा नारियल पाउडर का पानी सारा सूख गया है, अब इसमें मिला देंगे। ग्राम जो दूध था तो नारियल पाउडर में डाल के इसको चलाते जाएंगे। दूध की रेसिपी को अपनी आँख से पकाएं, जो चीनी पाउडर था और इलायची का पाउडर इसी में मिक्स कर दिए थे, इसको भी मैं डाल दूंगी। इसी तरह से चलाते रहें। चीनी डालने के बाद ये गीला हो गया है, थोड़ा चला के ऐसे भून के टाइट करें इसको, और लड्डू आपकी अच्छे से बनेगी। इसी तरह धीमी आंच पे अभी चलाते रहें क्योंकि ये ज्यादा ही गीला हो गया है। इसे लगातार चलाते रहें कि अपना गीला पर टाइट नहीं होगा। इसमें आप हम जो दूध डालें, आप खोया भी डाल सकते हैं या मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, तो दूध डालें आप दूध भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अभी हमारा बैटर तैयार हो गया है और आप गैस बंद कर दें, लड्डू बनने के लिए रेडी हो चुका है। दूसरे बर्तन में रख दें, ये देख सकते हैं हम दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद हम लड्डू बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब इसको हल्के हाथों से नारियल लड्डू का बॉल्स बनाइए। आप देख सकते हैं नारियल का लड्डू बनकर तैयार है, अब आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने सभी दर्शकों को बाय।